जम्मू कश्मीर के डोडा च आतंकवादी हमला, फौज के ऑपरेटिंग बेस को बनाया निशाना, हमले च पांच जवानों सने छे जख्मी। जम्मू कश्मीर के कठुआ च आतंकवादियों नाल एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द नू कीता ढेर, दो की तलाश च सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकवादियों की गोली विच एक नागरिक जख्मी। राष्ट्रीय हमले के आतंकवादियों की तलाश तेज, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किए दहशतगर्दा के स्केच, 20 लाख रुपए का रखा इनाम, नौ जून श्रद्धालुओं नाल भरी बस से किया अटैक। रूस की आर्मी च भर्ती किए दो भारतीयों की जंग च मौत, भारत ने रूस सामने सख्ती नाल चुकया मुद्दा, आर्मी च भर्ती किए भारतीयों नूं वापस भेजने लई कहा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होणगे नवे आर्मी चीफ, जनरल मनोज पांडे की लैणगे थां, चोणां करके मनोज पांडे का वधाया गया सी घर। हरियाणा के कैथल सिख शख्स के हमले के मामले FIR दर्ज, पुलिस ने धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाने की भी लई तारा, पीड़ित ने खालिस्तानी कह के हमला किए जाने का लगाया है इल्जाम। जलंधर च दर्दनाक सड़क हादसे च प्यो पुत्र की मौत, टिप्पर ने बाइक सवारा नूं दड़िया, बेटी के विआह के दिन पिता से भरा दी गई जान। सरकारी नौकरी का झांसा देकर 100 तो ज्यादा लोगों नूं ठगन वाले दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार, मुख्यमंत्री बोले सरकारी नौकरी लई नहीं चलदी रिश्वत, जे कोई मंगे पैसे तो तुरंत करो शिकायत। अमृतसर की सारागढ़ी सराज च बुकिंग के नाम से ठगी, पटियाला के परिवार ने ऑनलाइन वैबसाइट से पेमेंट कर की थी बुकिंग, सरा पहुंच के धोखाधड़ी का लग्या पता। आज चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम वजो सौंप चुकेंगे चंद्रबाबू नायडू, मोहन मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री वजो लेंगे हलफ, दोवें सौंपिक समागम शामिल होंगे पीएम मोदी। रायबरेली तो बाद आज वायनाड वर्कर्स का शुक्रिया करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी होंगे मौजूद, कल रायबरेली बोले सन राहुल, वाराणसी तो चोल लड़ती प्रियंका तो हार जाते पीएम। सत श्रीकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब, देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करते गल करांगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर च तीन दिन च तीन आतंकवादी हमले दहशतगर्दा दे वलों किए गए ने, यानी कि कायराना हरकत एक बार फिर तो सामने आई है। डोडा और कठुआ च दहशतगर्दी हमले किए गए ने, डोडा च आतंकवादियों ने फौज से हमला किया, अटैक किया, आतंकवादियों ने फौज के ऑपरेटिंग बेस को निशाना बनाया, हमले च फौज के पांच जवानों सने छे जख्मी दसे जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों नूं चारे पासों घेरा पाया है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, एनकाउंटर लगातार जारी है। कठुआ च भी आतंकवादियों दे वलों एनकाउंटर किया गया, सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द नूं ढेर कर दिता। कठुआ च दो होर फरार आतंकवादियों की भाल तलाश लगातार पुलिस वलों सुरक्षा बलों के वलों की जा रही है। आतंकवादियों की गोलीबारी में एक नागरिक भी जख्मी होया है। इस तो पहला एतवार को रियासी श्रद्धालुओं नाल भरी बस से आतंकवादी हमला किया गया सी, ते महज 48 घंटे च दूजा आतंकवादी हमला किया गया है। कठुआ च आतंकवादी हमला किया गया है, इस विचाले डोडा च आतंकवादी हमला किया गया है, एनकाउंटर लगातार जारी है। डोडा च आतंकवादियों ने फौज से हमला किया, डोडा ते कठुआ च एनकाउंटर लगातार जारी है, ड्रोन दे राही भी नजर रखी जा रही है। 9 जून नूं भी आतंकवादियों की कायराना हरकत सामने आई सी, जदों कि श्रद्धालुओं नाल भरी बस नूं अटैक आतंकवादियों दे वल्लों कीता गया सी, ते इक वार फिर तो हुण ऑपरेटिंग बेस नूं सुरक्षा बलों दे निशाना बनाया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल है, सेंसिटिव इलाका है, दहशतगर्द इहो जिहे घटनावां नूं अंजाम दे के जो घने जंगल ने डेंस फॉरेस्ट ने उत्थे लुक जांदे ने, उस तो बाद सेना दा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। हालांकि खबरां सामने आईयां सीगियां कि नेड़ले पिंड दे आले दुआले ही आ दहशतगर्द लुके होए ने, DGP दी गड्डी ते वी इहनां दे वल्लों फायरिंग कीती गई सी, ते सुरक्षा बलों दे वल्लों मोर्चा सांभिया गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ताकि छेती तो छेती इन्हां दहशतगर्दां नूं मार मुकाया जाए। नगर के सैदा सुखाल एरिया में है, और कल शाम से ही इस एरिया में आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे आप जो हमारे कैमरामैन चांद डोगरा आपको दिखाएंगे, जहां जहां आपकी नज़र पड़ेगी यहां पे आपको आर्मी और CRPF और पुलिस के जवान दिखेंगे। और ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा गांव है, उसको कल शाम से ही घेरे में लिया गया है। और कल शाम को क्योंकि एक आतंकवादी को मार गिराया गया था, लेकिन रात को भी फायरिंग हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक CRPF का जो जवान है वो इंजर्ड है,
उसके बाद अभी भी यहाँ पे फायरिंग का तबादला चल रहा है और ड्रोन की मदद ली जा रही है। और यहाँ अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें तो जगह जगह पे चपे चपे पे आपको सिर्फ फौज, पुलिस और सीआरपी के जवान दिखेंगे। फिलहाल जो है कल शाम को जिस तरह एडीजीपी ने भी कहा, जो यहाँ पे आए थे उन्होंने कहा कि दो आतंकवादी आए थे एक घर में, उन्होंने खाना मांगा, पानी मांगा, लेकिन जब घर वालों ने इनकार किया, उन्होंने वहाँ पे जोर से उनको धमकाया, तो उसके बाद जो आतंकवादी हैं उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक जो सिविलियन है ओमकार नाथ वो जख्मी हो गया। उसके बाद जो आतंकवादी है उनमें से एक आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रेनेड भी फट गया और उसकी वजह से वो आतंकवादी न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन जो दूसरा आतंकवादी है वो यहाँ पे छुपने में कामयाब हुआ, लेकिन उसने भी उसके साथ भी रात को मुठभेड़ हुई है जिसमें एक सीआरपी का जवान जो है जख्मी हुआ है। फिलहाल ड्रोन की यहाँ पे मदद ली जा रही है और जो ये पूरा एरिया है, मेरे कैमरामैन आपको सिर्फ विजुअल्स में दिखाएंगे, जहाँ जहाँ आपको दिखेगा वहाँ पे आपको ये पूरा एरिया जो है एक छावनी में तब्दील हो गया है। और यहाँ पे SOG पुलिस, CRPF आर्मी के ही जवान आपको हर जगह पे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ आगे जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त पूरी एक हाई लेवल तरीके से हम ये कह सकते हैं एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे एरिया में चप्पे चप्पे पे तलाशी भी ली जा रही है और जो एक आतंकवादी वहाँ यहाँ पे बचा है उसके साथ भी रुक रुक के फायरिंग चल रही है। हो सकता है कि कुछ और आतंकवादी भी यहाँ पे होंगे, एक से ज़्यादा होंगे ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेज को लगता है, तो उसकी बिना पे ही यहाँ पे मेजर लेवल पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं और जो इनकाउंटर है उस आतंकवादी के साथ वो भी चल रहा है। फिलहाल जो CRPF जवान है वो इंजर्ड है और एक आतंकवादी को कल शाम को ही न्यूट्रलाइज किया गया था, एक सिविलियन भी इंजर्ड है जो कि अब स्टेबल है। और फिलहाल कठुआ में कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी दो आए थे ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और ऐसा जिस तरह मैंने कहा सिक्योरिटी फोर्स को लग रहा है कि कुछ और आतंकवादी भी यहाँ पे हो सकते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ सर्च ऑपरेशन जो जवानों का लगातार जारी है, तड़के करीब 3 बजे SSP की कार से 3 बार फायरिंग दहशतगर्दा के वालों की गई। सर्च ऑपरेशन दौरान SSP की गड्डी से फायरिंग दहशतगर्दा के वालों की गई। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, कल देर शाम तक एनकाउंटर लगातार जारी है। इस विचाले सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द नूं ढेर वी कीता सी। आतंकवादियों की गोलीबारी विच एक नागरिक भी जख्मी होया दस्या जा रहा है, पर कठुआ च जदों आतंकवादियों नाल एनकाउंटर चल रहा सीगा, सर्च ऑपरेशन पुलिस की टीम के वालों किया जा रहा सीगा, सेना के जवानों के वालों किया जा रहा सी। उस वेले SSP की गड्डी से फायरिंग भी दहशतगर्दा के वालों की गई। इस विचाले ड्रोन के जरिए भी दहशतगर्दा से नजर रखी जा रही है। कठुआ से डोडा दो थां से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, एनकाउंटर लगातार जारी है, क्योंकि दो थावां से दहशतगर्दा के वालों ऑपरेटिंग बेस से हमला किया गया। कठुआ च दो होर फरार आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। आही वो आतंकवादी ने जिन्होंने SSP की गड्डी से हमला किया, फायरिंग की, हालांकि जो SSP बाल बाल बच गए। इस तो पहला एतवार को रियासी चीफ श्रद्धालुवाल परी बस से आतंकवादियों के वालों हमला किया गया। जम्मू के रियासी हमले से अतवादियों की तलाश लगातार जारी है, पाल पुलिस के वालों लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्केचिस भी आतंकवादियों के जारी किए, 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान जम्मू कश्मीर पुलिस के वालों किया गया। 9 जून अतवादियों ने श्रद्धालुओं की बस से हमला किया, फायरिंग की थी, शिवखोड़ी तो कटड़ा जा रही बस से फायरिंग की गई थी। हमले च 9 लोगों की मौत हुई थी, 41 जख्मी हुए थे। 2 तस्वीर उपले पास तस्वीर, हादसाग्रस्त बच्चा भी शामिल सी, 41 लोग जख्मी हुए दसे जा रहे हैं। हालांकि हुन पुलिस दे वलों स्केचेस जारी किए गए ने, क्योंकि हुन तक आ फड़े नहीं जा सके। ते जम्मू कश्मीर पुलिस दे वलों ऐलान किया गया है कि जो भी इन्हां आतंकवादियों के बारे सूचना देगा उन्होंने 20 लाख का इनाम दिता गया। रूस यूक्रेन जंग च दो भारतीयों की मौत की खबर सामने आई है। दस कि रूस की आर्मी च भर्ती किए दो भारतीयों की मौत हो गई, हमदा की खबर है। भारतीयों की मौत तो बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का सख्त एक्शन देखने को मिला है। भारत ने रूस के सामने आ मुद्दा चुकया है कि रूस की आर्मी च भर्ती किए भारतीयों का आ मुद्दा चुकया गया। भारत सरकार के वालों रूस ने आर्मी च भर्ती किए भारतीयों को वापस भेजने लिए कहा है।
रूस की आर्मी भारतीयों को भर्ती ना करने लिए आख्या गया। मृतकों चो एक नौजवान अमृतसर का रहने वाला दसिया जा रहा है। जिक्रयोग है कि पिछले दिन ही खबर सामने आई सन कि रूस यूक्रेन जंग दौरान रूस फसे जा रहे भारतीयों को जबरी तौर पर रूस की आर्मी भर्ती किया जा रहा है, जंग से भेजा जा रहा है। इस तो इलावा भारतीयों को फौज की सब तो अगली टुकड़ी च रखा जाता है, फ्रंट फुट रखा जाता है। इस नूं लैके कई भारतीय नौजवानों ने वीडियो जारी करके मदद की गुहार भी लगाई। हुण आ जो मुद्दा है भारत सरकार के वलों विदेश मंत्रालय के वलों रूस के सामने चुकया गया।